जय भीम, जय मूल निवासी साथियों, आज एक महत्वपूर्ण विषय पर बहुजन समाज के लोगों को जानकारी देने हेतु मैं लाया आया हूं। 6 दिसंबर यह दिन महापुरुष डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर जी का महापरिनिर्वाण दिन है और 6 दिसंबर को लेकर नए पीढ़ी के लोगों को, नौजवान लोगों को यह जिज्ञासा होनी चाहिए या इस बारे में जानकारी लेना चाहिए कि महामानव डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर का मृत्यु को लेकर उस समय बहुत विवाद हुआ था। विवाद इतना बड़ा हुआ था कि उस समय की पार्लियामेंट के अंदर इस बारे में आवाज गूंज उठी थी। लोग सड़कों पर उतरे थे और सरकार को मजबूर होकर DIG सक्सेना आयोग का गठन करना पड़ा। साथियों, आप लोग सुनते हैं कि सुभाष बाबू का मृत्यु कैसे हुआ, इसके बारे में उनके परिवार के लोग आज भी चर्चा करते हैं या लोगों में आज भी इसके बारे में जिज्ञासा है या इसके बारे में मीडिया में चर्चा होती रहती है। भारत के द्वितीय प्रधानमंत्री जो कायस्थ कम्युनिटी के थे, उनकी भी मृत्यु शंकास्पद है। लाल बहादुर शास्त्री जिनका नाम है, इनकी भी मृत्यु शंकास्पद है। इनके परिवार वाले लोग ये आरोप लगाते हैं कि इंदिरा गांधी ने ताशकंद में इनकी हत्या करवाई थी। सुभाष बाबू की मौत को लेकर चर्चा होती है, उनके परिवार वाले लोग चर्चा करते हैं। लाल बहादुर शास्त्री के परिवार वाले लोग भी चर्चा करते हैं और भारतीय समाज इसके बारे में चर्चा करता है, मगर महामानव डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर के मृत्यु के संबंध में उनके परिवार के जो विद्यमान सदस्य लोग हैं, ये इसके बारे में चर्चा करते नहीं है। मगर डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर ये हमारे महापुरुष है, हमारे मुक्तिदाता है और उन्हीं की विचारधारा को आधार बनाकर हम लोग कार्य कर रहे हैं। तो हम लोग चर्चा कर रहे हैं कि महामानव डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर का मृत्यु कैसे हुआ, क्या वो नैसर्गिक मृत्यु था या साजिश थी। इसके संबंध में
मैंने स्वयं 3 खंडों में किताब लिखा हुआ है और 2011 में किताब लिखा हुआ है, हु किल्ड डॉक्टर अंबेडकर। व्हाई एंड हाउ डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर की हत्या किसने क्यों और कैसे की, इस संबंध में 3 खंडों में मैंने लेखन किया है और लगभग 11 से 12 भाषा में इसका अनुवाद हुआ है। तो इस मामले में मैं आधिकारिक तौर पर बोल सकता हूं, लोगों को इसके बारे में जानकारी दे सकता हूं, क्योंकि मैंने इसके ऊपर रिसर्च किया है। महामानव डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर का मृत्यु नैसर्गिक मृत्यु नहीं है, बल्कि उनके साथ साजिश की गई है। यह बात डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर के मृत्यु के पश्चात आवाज तो उठी ही, मगर उनके मृत्यु के पश्चात 31 दिसंबर 1956 यानी 1956 का आखिरी दिन और नया साल 1 जनवरी 1957 यह 2 दिन की राष्ट्रीय स्तर की बैठक मीटिंग ऑल इंडिया के पदाधिकारियों को बुलाकर महाराष्ट्र के नगर जिले में अहमदनगर जिले में आयोजित की गई थी, जहां से भीमा कोरेगांव नजदीक है। तो अहमदनगर जिले में जो मीटिंग हुई उस मीटिंग में सभी पदाधिकारी मौजूद थे, उपस्थित थे, केवल मात्र सविताबाई कबीर को छोड़कर बाबा साहब अंबेडकर के परिवारजन भी वहां मौजूद थे और ऑल इंडिया के पदाधिकारी वहां मौजूद थे। उसमें पहला रिजोल्यूशन महापुरुष डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर के श्रद्धांजलि देने के लिए एवं डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर के परिवार जनों को जो शोकाकुल है उन्हें सांत्वना देने का एक रिजोल्यूशन, पहले नंबर का रिजोल्यूशन पास किया ऑल इंडिया के पदाधिकारियों ने, सभी संगठन के पदाधिकारियों ने। और रिजोल्यूशन नंबर 7 जिसमें यह स्पष्ट तौर पर कहा गया कि डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर का मृत्यु हमें संदिग्ध लगता है और वे पहले दिन राज्यसभा में मौजूद थे, वे बीमार नहीं थे, वे सशक्त थे और उनकी मृत्यु एक साजिश का हिस्सा है, ऐसा हम लोग ऑल इंडिया से इकट्ठा हुए पदाधिकारी लोग, राष्ट्रीय स्तर के पदाधिकारी लोग यह रिजोल्यूशन पास करते हैं। और सभी संस्थाओं के प्रमुख पदाधिकारी ये रिजोल्यूशन पास करते हैं कि महापुरुष डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर के मृत्यु की जांच की जाए। आज जो आरपीआई के लोग हैं, महाराष्ट्र में जो आरपीआई के लोग हैं, वो तो आरपीआई के लोग नहीं है, वो दलित पैंथर के लोग हैं। आरपीआई डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर की संकल्पना की पार्टी थी जो उनके मृत्यु के पश्चात 1957 में
अशोक विजयादशमी के दिन उसकी स्थापना हुई। और वर्तमान जो आरबीआई के लोग कहते हैं वो दलित पैंथर के लोग हैं। दलित पैंथर कोई डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर के द्वारा संकल्पित ऑर्गेनाइजेशन नहीं था, बल्कि उसके चालक मालक या उसके संस्थापक वास्तविक तौर पर पुणे के समाजवादी ब्राह्मण थे। खैर वो अलग इतिहास है, मगर आज खुद को अंबेडकराइट कहने वाले लोग भी इस बात से वाकिफ नहीं है, इस बात से भली भांति जानकार नहीं है कि तत्कालीन आरपीआई के लोगों ने बाबा साहब अंबेडकर की मृत्यु की जांच करने की डिमांड की गई थी। तत्कालीन शेड्यूल कास्ट फेडरेशन के लोगों की डिमांड थी। तो ये इसका लिखित सबूत है। और ये रिजोल्यूशन जो पारित किए गए महापुरुष डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर के महापरिनिर्वाण के उपलक्ष्य में प्रबुद्ध भारत के द्वारा जो विशेषांक निकाला गया उसके अंदर ये रिजोल्यूशन मौजूद है, आज भी है। डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर की मृत्यु के पश्चात लगभग 8 लोग पार्लियामेंट में चुनकर गए और 8 लोगों ने पार्लियामेंट के अंदर अपने सहयोगी साथियों की मदद लेकर अन्य कार्यकर्ताओं की जो डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर के साथ थे ऐसे लोगों की सहायता लेकर जिसमें 8 सांसद प्रमुख थे और उन्होंने भारत सरकार को गृह मंत्री को 19 लोगों ने लिखित में एक मेमोरेंडम दिया। और जो लोग 19 लोगों का नेतृत्व करने वाले जो व्यक्ति थे वो बीसी कामले जी थे। और उन 19 लोगों ने ये डिमांड किया कि डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर का मृत्यु संदिग्ध किस वजह से है उसके सिलसिलेवार मुद्दे उपस्थित किए। और ये साजिश है ऐसा मानकर उन लोगों ने डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर की मृत्यु की जांच कराने के लिए डिमांड की गई। इस वजह से भी सरकार के ऊपर दबाव पड़ा और सरकार ने इन पार्लियामेंट हाउस के अंदर डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर की मृत्यु की जांच करने के लिए एक सदस्यीय कमेटी डीआईजी सक्सेना का गठन किया। लगभग 89 लोगों की साक्ष्य ली गई। इसमें सविता कबीर की भी साक्ष्य ली गई। जिसमें महापुरुषों के साथ रहे कार्यकर्ताओं की भी जांच साक्ष्य ली गई, चरित्रकारों की भी साक्ष्य ली गई, यहां तक कि डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर के सुपुत्र यशवंत राव उर्फ भैया साहब अंबेडकर तथा डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर के भाई के जो बेटे थे मुकुंदराव अंबेडकर की भी साक्ष्य ली गई। यानी हिस्टोरिकल आधार पर यह पता चलता है कि खुद डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर का बेटा मानता है कि उनके पिताजी की नैसर्गिक मृत्यु नहीं हुई बल्कि उनकी साजिशन हत्या की गई, ऐसा उन्होंने साक्ष्य में बताया है। बाबा साहब अंबेडकर के जो अनुयायी थे, सहयोगी थे, अनुयायी थे,
और जिनके मार्गदर्शन में वो नेतृत्व करने लायक बने थे, उन सभी प्रमुख लोगों ने ये साक्ष्य दी कि बाबा साहब अंबेडकर का नैसर्गिक मृत्यु नहीं हुआ है। इस आधार पर डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर का जांच कमेटी का गठन किया गया, जिसे डीआईजी सक्सेना आयोग कहते हैं। मगर ये सोचने वाली बात है कि कार्यकर्ताओं ने रिजोल्यूशन पास किया, प्रेशर बनाया, लिखित में मेमोरेंडम दिया, उसके बाद डीआईजी सक्सेना का गठन किया गया, मगर उस समय जनसंघ का युवा नेता पंडित अटल बिहारी वाजपेयी ने हाउस के अंदर ये क्वेश्चन खड़ा किया, किस वजह से जांच कमेटी का गठन किया जा रहा है, क्या यह जरूरी है? तो तत्कालीन गृह मंत्री ने यह जवाब दिया कि इसकी डिमांड करने वाले लोग सम्माननीय हाउस के सदस्य होने के कारण, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होने के कारण, उनकी बातों को महत्व दिया जा रहा है क्योंकि वो हाउस के मेंबर है। वो बात अलग है कि उनका मृत्यु नैसर्गिक है, मगर हाउस के मेंबर पार्लियामेंट का आग्रह है जांच किया जाए, इसलिए इस कमेटी का गठन किया गया। यानी एक तरफ कमेटी का घोषणा भी कर दिया प्रेशर होने के कारण, और दूसरी तरफ गृह मंत्री ने जवाब भी दिया कि बाबा साहब अंबेडकर का मृत्यु वैसे नैसर्गिक है। यानी कमेटी को, एक सदस्यीय कमेटी को मैसेज भी दिया गया कि आपको इस लाइन पर काम करना है। साथियों, इस वजह से हम कह रहे हैं कि डीआईजी सक्सेना आयोग, 67 साल गुजर गए, अभी तक सार्वजनिक क्यों नहीं किया जा रहा है? चाहे कांग्रेस हो, चाहे बीजेपी हो, है तो ब्राह्मणवादी दल, इसको सार्वजनिक क्यों नहीं कर रहे? यह बहुत ही गंभीर मामला है। इसे केवल भारत के लोग ही नहीं बल्कि दुनिया के लोग जानना चाहते हैं कि महापुरुष डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर की मौत किसने की, क्यों की और कैसे की, क्या मकसद था, उसकी चर्चा इसलिए करना जरूरी है क्योंकि ये हमारे आंदोलन के साथ जुड़ा हुआ मामला है। इस हत्या होने के कारण लोकतंत्र के ऊपर ब्राह्मण तंत्र थोपने में ब्राह्मणों को सहायता मिली। बाबा साहब अंबेडकर के दूसरे लोकसभा चुनाव के पहले ही हत्या करने से ब्राह्मणों को, अल्पसंख्यक ब्राह्मणों को, लोकतंत्र के ऊपर ब्राह्मण तंत्र थोपने में बड़ा अवसर मिला। दूसरी एक जानकारी जांच में यह पाई गई कि जब डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर का मृत्यु हुआ, वो किन परिस्थिति में हुआ, कैसे हुआ, तो बाबा साहब अंबेडकर नवंबर महीने में काठमांडू गए थे और काठमांडू में इंटरनेशनल बुद्धिस्ट कॉन्फ्रेंस को संबोधित करने के लिए गए थे और काठमांडू में उन्होंने जाहिर तौर पर घोषणा किया था
जब डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर काठमांडू गए थे, तब उन्होंने वहां पर जाहिर तौर पर घोषित किया था कि ज्यादा समय नहीं, मुझे 1.5-2 साल अगर मिल गया तो मैं भारत को बौद्धमय बनाकर ही मरूंगा। तो बाबा साहब अम्बेडकर ने विश्व स्तर के बौद्ध राष्ट्र के प्रतिनिधियों के बीच में यह उद्घोषणा किया कि मैं भारत को बौद्ध मैं बनाकर ही मरूंगा और मुझे ज्यादा समय की जरूरत नहीं है, केवल 1.5-2 साल ही मेरे लिए काफी है। उस दरमियान उनके साथ सविता कबीर गए थे, बाबा साहब के एक अनुयायी थे वराले जी, वो भी साथ में थे। 80 ईयर ओल्ड उनके पिताजी थे सविता कबीर जी के, उनका भाई था। और नेपाल में ही बाबा साहब अंबेडकर को इन लोगों का बिहेवियर संदिग्ध नजर आया और वहां पर ही बहुत बड़ा विवाद हुआ। एक किताब है भिक्खु सुमेध के द्वारा लिखी हुई, मी पहले ले बोधिसत्व, यानी मैंने देखे वे बोधिसत्व, क्योंकि वे भी उस समय सारनाथ कुशीनगर इस एरिया में थे और बाबा साहब अंबेडकर काठमांडू से वापस आते हुए सारनाथ और कुशीनगर का दौरा कर रहे थे और उन्होंने देखा कि बाबा साहब अंबेडकर अकेले ये दौरा कर रहे हैं। ये जो लोग साथ में गए थे ये कहकर गए थे कि बाबा साहब अंबेडकर की हमारी वहां जाने से सुरक्षा होगी, मगर भिक्षु सुमेध ने लिखा है कि बाबा साहब अंबेडकर एकदम असुरक्षित थे और अस्वस्थ थे। साथियों, बाबा साहब अंबेडकर का अंतरराष्ट्रीय जन समर्थन को ध्यान में रखते हुए बाबा साहब अंबेडकर का इमेज डैमेज करने का भी प्लान सविता कबीर और उनके भाई बालू कबीर के द्वारा किया गया था। यह अफवाह फैलाई गई थी कि पशुपतिनाथ मंदिर में डॉक्टर अंबेडकर गए और ब्राह्मण लोगों ने उन्हें आने नहीं दिया। यह अफवाह फैलाने में ये लोग सहभागी थे। तो बाबा साहब अंबेडकर ने पत्रकारों को जवाब दिया था, नथी में शरणंग आयंग बुद्धों में शरणंग वरण, मैं बुद्ध के अलावा किसी को शरण नहीं जाऊंगा। लगभग 29 या 30 नवंबर को पटना से बाबा साहब अंबेडकर दिल्ली 26 अलीपुर रोड अपने निवास स्थान पर आ जाते हैं। 1 दिसंबर को अपने एक्टिविटी शुरू कर देते हैं। 2 दिसंबर को बाबा साहब अंबेडकर ने नानक चंद रत्तू को जो मुंबई का रेल टिकट बनाया था और उनके साथ सविता कबीर जी भी थी, उन्होंने कहा वो टिकट रद्द कर दिया जाए और केवल उनका और नानक चंद रत्तू का एरोप्लेन का टिकट बनाया जाए। और बाबा साहब अंबेडकर समय के पहले मुंबई जाएंगे ऐसा एक लेटर टाइप करवाया और उनके दोस्त हिंदू कॉलोनी में रहने वाले जाने माने वकील, बाद में हाईकोर्ट के जज भी बने बैरिस्टर समर्थ, जो कायस्थ कम्युनिटी के थे, उनको लेटर लिखा गया कि मैं 16 दिसंबर के कार्यक्रम के लिए आ रहा हूं, मगर मैं आपके निवास पर ही 5-6 दिन रहूंगा और इसकी चर्चा आप बाकी लोगों से न करें। तो बाबा साहब अंबेडकर वहां रहकर क्या करना चाहते थे इसकी छानबीन किया, तो बाबा साहब अंबेडकर सविता कबीर को
डिवोर्स देने वाले थे और उसकी कानूनन लड़ाई उन्होंने शुरू कर दी थी। ये 2 दिसंबर को हुआ, 3 दिसंबर का उनका डे टू डे एक्टिविटी चालू रहा, 4 दिसंबर को डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर राज्यसभा में थे, दिन भर उनकी एक्टिविटी चलती रही और राज्यसभा में नेहरू को उन्होंने घेरा, आड़े हाथ लिया, यानी डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर बेड रेस्ट पर नहीं है, बीमार नहीं है, या डॉक्टर ने उन्हें सख्ती से रेस्ट लेने को, बेड रेस्ट लेने के लिए नहीं कहा है, बाबा साहब अंबेडकर राज्यसभा में उपस्थित थे। 5 दिसंबर को क्या हुआ, 5 दिसंबर को डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर का डे टू डे एक्टिविटी चलता रहा, सविता कबीर के द्वारा बाबा साहब अंबेडकर की गाड़ी और उनका ड्राइवर ये दिन भर उनके आवास पर नहीं थे, कहां पर गए इसके बारे में बाबा साहब अंबेडकर ने जब उनको पूछा देर रात, तो उनका उसके ऊपर झगड़ा हुआ, ऐसा जांच आयोग में सामने आया है, साक्ष्य देने वालों ने बताया है। तब वो नेहरू के घर पर थी, सविता कबीर नेहरू के घर पर थी, डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर अलग अलग डेलीगेशन उनको मिलने आए थे, उसमें लास्ट जो जिन लोगों के साथ उनका मीटिंग हुआ वे लोग जैन कम्युनिटी के लोग थे और वे लोग भी दिल्ली प्रदेश में जैनों का बड़ा सम्मेलन करना चाहते थे और जिसके लिए डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर को निमंत्रित करना चाहते थे, क्योंकि बौद्ध धर्म और जैन धर्म ये श्रवण परंपरा की अवैदिक परंपरा थी, इसलिए उन्होंने बाबा साहब अंबेडकर को निमंत्रण देने के लिए वे आए थे। बाबा साहब अंबेडकर ने एक लेटर डिक्टेट किया था जो टाइप हो गया था मगर डिलीवर नहीं हुआ, वो भेजा नहीं गया, वो एस एम जोशी और अत्रे, प्रहलाद केशव अत्रे, पीके अत्रे, इनके नाम पर लिखा था। आरपीआई के कई सारे नेता हैं जिसमें अठवले जी भी है, ये लोग इस बात का मिसप्रोपगंडा करते हैं कि बाबा साहब अंबेडकर ने जो आखिरी खत लिखा था वो समाजवादी ब्राह्मणों को आरपीआई स्थापन करने के लिए लिखा था, ऐसा मिसप्रोपगंडा करते हैं, यानी ये डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर की एक ढंग से बदनामी करते हैं। वो आखिरी खत की कॉपी नानक चंद रत्तू के संग्रहालय से हमने हासिल की है, पढ़ी है और उसको हमारी किताब में भी उसको सेकंड वॉल्यूम में प्रकाशित किया है, उसमें यही बातें थी कि 1957 के चुनाव में महाराष्ट्र संयुक्त महाराष्ट्र के नाम पर जो आंदोलन कर रहे थे, इमोशनल लोगों का समर्थन भी जिन लोगों को मिल रहा था, समाजवादी ब्राह्मण लोगों को, वो लोग बाबा साहब अंबेडकर के पार्टी के सामने प्रस्ताव रखा था और एक तरफ प्रस्ताव रखा था और दूसरी तरफ वो निगेटिव प्रचार कर रहे थे, तो बाबा साहब अंबेडकर कह रहे थे कि मैं शर्त के साथ, सिद्धांत के साथ बंधा हुआ हूं, अगर आप लोगों को हमारी शर्त और सिद्धांत मान्य नहीं है तो हमें भी आप लोगों के साथ अलायंस करने का, अलायंस करके चुनाव लड़ने का कोई इंटरेस्ट नहीं है। तो अत्रे और जोशी के पीठ पीछे जो गलत बातें प्रचार की जा रही थी उसका जवाब देने वाला और बहुत तीखी लैंग्वेज में लिखा गया वो लेटर है। इसमें आरपीआई की स्थापना का संदर्भ है।
ब्राह्मणों को खुश करने के लिए ये बातें बोलना, ये तो फुलेशो अंबेडकर के आंदोलन की बदनामी है। साथियों, बाबा साहब अंबेडकर का जो मृत्यु हुआ उसके साथ आंदोलन की हत्या करने का भी एक मामला है, इस पर मैं बात करूंगा। और 5 तारीख को जब वो लोग जैन डेलीगेशन जब चला गया, उसके पहले ही 8 बजे सविता कबीर ने अपने भाई और अपने पिताजी को मुंबई दादर के लिए रेलवे में बिठा दिया, रवाना कर दिया। और उनके साथ बाबा साहब अंबेडकर का एक नौकर था श्यामू जाधव, जो वराली जी के द्वारा भेजा गया था, मैट्रिक पास था, कोल्हापुर का था। बाबा साहब अंबेडकर का जो पैर दर्द करता था, खानदेश जलगांव भुसावल में गए थे एक समय, तो उनकी बैलगाड़ी नदी में ही गिर पड़ी थी, तो बाबा साहब अंबेडकर के घुटने को जख्म हुआ था और उनको बीच बीच में वो दर्द होता था और बहुत असहनीय दर्द होता था। तो वराली ने श्यामू जाधव, जो कोल्हापुर के युवा लड़का था, उसको बाबा साहब अंबेडकर के दर्द देने वाला पैर का मालिश करने के लिए भेजा था। वो श्यामू जाधव भी गद्दार हुआ, जो महाराष्ट्र का था, और सविता कबीर के भाई के साथ, पिता के साथ पिछले दरवाजे से वो रफू चक्कर हो गए। और शाम की 8 की फ्लाइट से डॉक्टर मालवनकर, जो मुंबई के ब्राह्मण डॉक्टर थे, और पिछले 6 माह से वो दिल्ली में थे, वो भी वहां से शाम को रफू चक्कर हो गए। बाबा साहब अंबेडकर का जो 26 अलीपुर रोड जो निवास स्थान है, 12 कमरे थे उस आवास के, और बाबा साहब अंबेडकर, सविता कबीर, एक श्यामू जाधव जो अब चला गया है, और एक कोकण का युवा लड़का था जो रसोइया का काम करता था, ऐसे 3 लोग वहां थे। उस दिन नानक चंद रत्तू ने लास्ट फ्यू इयर्स विद डॉक्टर अंबेडकर इस किताब में लिखा हुआ है कि उस दिन मेरे से गलती हुई, उन्होंने एग्री किया कि उस दिन बाबा साहब अंबेडकर मुझे और ज्यादा काम करने के लिए रुकने का आग्रह कर रहे थे, मगर 12 बजे, रात के 12 बजे के पश्चात मैंने डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर को भावनिक अपील किया कि मुझे आज जरा जल्दी जाना है, तो मुझे जाने का इजाजत दिया जाए। बाबा साहब नहीं चाहते थे वो चले जाए, मगर उन्होंने कहा कि मुझे बहुत जरूरी काम है, पारिवारिक काम है, ऐसा कहकर वो चले गए। डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर के संदर्भ में रत्तू साहब ने माई साहेब उर्फ सविता कबीर जी के जीवन में ये किताबें लिखी है, और उन्होंने इस बात का भंडाफोड़ किया कि मैं जब गया तो मेरी साइकिल का रास्ते में ही पंक्चर हो गई, और इसीलिए मैं जो जल्दी जाने के फिराक में जल्दी निकला था, मगर मैं लेट पहुंचा। बाबा साहब अंबेडकर का जो हवेली था, उस हवेली के ही बरामदे में गार्डन का देखभाल करने वाला जो एक कर्मचारी था, विद फैमिली वो रहते थे, उन्होंने साक्ष में यह बताया हुआ है कि डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर और सविता कबीर का
रात के लेट नाइट 12-1 बजे के दरमियान मराठी भाषा में बहुत जोर जोर से झगड़ा हुआ, अचानक बत्ती बंद हुई और अचानक डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर की आवाज भी बंद हुई। नानक चंद रत्तू ने अपने किताब में लिखा हुआ है कि सवेरे बाबा साहब अंबेडकर का ड्राइवर जिसका नाम मोरे है वह मेरे आवास पर आया और मैं सोया ही था, सवेरे के 6-7 बज गए थे और उन्होंने मुझे जोर से आवाज लगा कर कहा कि आपको जल्द से जल्द डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर ने बुलाया है। और बाबा साहब अंबेडकर ने आदेश दिया है जिस स्थिति में हो उस स्थिति में बुलाया है, तो मुझे उनके आदेश का पालन करना था। मैं लेट पहुंचा था, लेट सोया था और मैं गड़बड़ी में उनके साथ वैसे ही चला गया। जब मैं 26 अलीपुर रोड पर गया, बाबा साहब अंबेडकर के बेडरूम में गया, मैं उनको आवाज लगाते हुए अंदर पहुंचा तो मैंने बाबा साहब अंबेडकर की जो स्थिति देखी कि बाबा साहब अंबेडकर के दोनों हाथ दोनों पैर जकड़े हुए हैं, आँख खुली हुई है, उनकी जीवा निकली हुई है, बाहर निकली हुई है और उस कमरे में सविता कबीर एक दीवार का सहारा लेकर खड़ी है। मैं उनकी तरफ आशा भरे निगाह से देख रहा था, रो रो कर मैं कह रहा था कि बाबा साहब अंबेडकर को क्या हुआ है, वो बोल क्यों नहीं रहे हैं, उनकी ऐसी हालत क्यों हुई है। मैं उनकी छाती को पुश कर रहा था, उनके दर्द देने वाले पैर को दबा रहा था और मैं जोर जोर से रो रो कर सविता कबीर जी को, माई साहब को कह रहा था कि बाबा साहब बोल क्यों नहीं रहे, आप डॉक्टर हो तो देखो। तो उन्होंने लिखा हुआ है कि सविता कबीर जी के आंख से आंसू तक नहीं थे, वो दीवार का सहारा लेकर खड़ी हुई थी। थोड़ी देर बाद सविता कबीर ने मुझे एक झूठ कहा, झूठ बोलने के लिए कहा कि दिल्ली प्रदेश के कार्यकर्ता यहां आएंगे और तुम्हें यह कहना है कि रात को मैं यहीं पर रुका हुआ था। साथियों, ये बात नानक चंद रत्तू ने सविता कबीर जी के जीते जी लिखा हुआ है कि मुझे यह झूठ बोलने के लिए कहा गया जबकि मैं घर पर रुका हुआ था। यह अपने आप में सबूत है कि सविता कबीर डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर के मौत के रहस्य के ऊपर पर्दा डालने का प्रयास कर रही थी। ये एविडेंस है और ये बात झूठ बात है, ये बात भी उन्होंने अपने जीवन चरित्र में नहीं लिखी। दूसरी महत्वपूर्ण बात इसी के संदर्भ में, जब यह बात दिल्ली में फैल गई, नेहरू वहां मिलने आए, बड़े बड़े कांग्रेसी नेता मिलने आए, जगजीवन राम मिलने आए, तो बाबा साहब अंबेडकर को मुंबई में हराने वाला काजरोलकर नामक जो व्यक्ति था, वो आदमी जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के रूप में दिल्ली में था, वो आदमी भी डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर के 26 अलीपुर रोड पर उनके निवास स्थान पर आया और उनकी बाबा साहब अंबेडकर के डेड बॉडी के सामने हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाकर ये कहने लगा कि मैं बाबा साहब अंबेडकर के खिलाफ मुंबई से चुनाव में खड़ा रहने के लिए तैयार नहीं था। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने मुझे दबाव डाला और मुझे चुनाव के लिए खड़ा किया और
मैं मेरा उम्मीदवारी अर्जी वापस ना लूं, इसके लिए नेहरू जी ने मुझे कैश 25,000 रुपए दिए। ये बात बाबा साहब अंबेडकर के शव के सामने उसने बताई, और ये बात के आई विटनेस सोनलाल शास्त्री और शंकरानंद शास्त्री थे। बाबा साहब अंबेडकर का डेड बॉडी मुंबई में नहीं लाया जाए, इसकी तैयारी सविता कबीर ने कर दी थी। उन्होंने दिल्ली प्रदेश के कार्यकर्ताओं को कहा कि अब मेरे पास पैसा नहीं है, और एक काल्पनिक बात है, एक रूमर्स फैलाया कि बाबा साहब अंबेडकर की इच्छा उनकी डेड बॉडी को उधर उत्तर भारत में, उत्तर प्रदेश में ही उनका अंतिम संस्कार किया जाए, ऐसी डिमांड बाबा साहब अंबेडकर की थी, ऐसा शो किया। मगर शंकरानंद शास्त्री ने चिल्लाकर कहा कि तुमने अब हमारे बाबा साहब को मार दिया है, और महाराष्ट्र में बाबा साहब अंबेडकर के अनुयायी जब हमें पूछेंगे तो उनकी डेड बॉडी को भी हम उनके हवाले नहीं कर रहे हैं, ये कितनी शर्म की बात है। तो उन्होंने कहा मेरे पास पैसा ही नहीं है। तो दिल्ली प्रदेश के लोगों ने पैसा इकट्ठा करके डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर का शव दिल्ली से मुंबई भेजा। बाबा साहब अंबेडकर का मृत्यु 5 तारीख के 12 बजे के बाद हुआ है, यानी रात के 12 बजे के बाद कैलेंडर के हिसाब से तारीख बदलती है, इस आधार पर 6 दिसंबर का उनको मृत्यु हुआ है। मगर महाराष्ट्र और अन्य प्रदेश के लोगों को इसकी जानकारी 6 दिसंबर को सवेरे नहीं मिलती है, बल्कि रेडियो से इसकी सूचना 4 बजे के लगभग इसकी सूचना ऑल इंडिया रेडियो से दी जाती है। जांच पड़ताल में यह भी बात सामने आई कि सविता कबीर ने बाबा साहब अंबेडकर का जो मृत्यु हुआ उसके लेट नाइट एक ट्रैंक कॉल किया था, और यह ट्रैंक कॉल स्वाभाविक है, ये ट्रैंक कॉल बाबा साहब अंबेडकर के सुपुत्र भैया साहेब उर्फ यशवंत अंबेडकर को करना चाहिए था, या बाबा साहब अंबेडकर के जो कार्यकर्ता है, नजदीकी कार्यकर्ता है, उनको करना चाहिए था, बल्कि ये ट्रैंक कॉल उन्होंने डॉक्टर मालवनकर जो ब्राह्मण जाति का है, मुंबई का है, उसको ट्रैंक कॉल किया, और उसमें 2 वर्ड थे ओ गए, इसका मतलब है मिशन सफल हुआ, सीक्रेट वर्ड में लिखा हुआ है। तो इस तरीके से डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर की मृत्यु को अंजाम देने वाले लोगों ने बहुत ही चलाकी से, बहुत ही षड्यंत्रता पूर्वक और बहुत ही दुष्ट भावनाओं से प्रेरित होकर महामानव डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर का निगरून हत्या की है। ये नैसर्गिक मृत्यु नहीं है। जब बाबा साहब अंबेडकर की मृत्यु हुई और उनका शव मुंबई में लाया गया, और मुंबई में यह शव पहुंच गया है, इसकी खबर सुनकर देश भर के, महाराष्ट्र के गांव गांव से लोग आ गए, मुंबई बंद हो गई थी। आज तक किसी महापुरुष के शोक सभा में इतनी जनता कभी इकट्ठा नहीं हुई जितनी जनता डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर के अंत्य यात्रा में शामिल थी।
वामनराव गोड़ बोले जो जिन्होंने दीक्षा समारोह नागपुर में कराया था, उन्होंने अपने जीवनी में, अपने बायोग्राफी में एक बात का जिक्र किया है कि उनके बाबा साहब अंबेडकर की इच्छा थी 16 दिसंबर को दूसरा दीक्षा विधि समारोह मुंबई में किया जाए, मगर उसके पहले ही यह समारोह हुआ, तो उनकी अग्नि को ही साक्ष्य मानकर जो लाखों 10 लाख से ज्यादा भीड़ थी, उन्होंने दीक्षा विधि हाथ खड़े करके कर लिया। कई नेताओं के वहां भाषण हुए। दूसरे दिन बाबा साहब अंबेडकर के परिवारजन और बाबा साहब अंबेडकर के विभिन्न संगठन के प्रमुख पदाधिकारी लोग जब बाबा साहब अंबेडकर की अस्थियों को इकट्ठा करने के लिए निकल रहे थे, तो उसमें सविता कबीर मौजूद नहीं थी। वे दादर में ही अपने मायके में अपने आवास पर थी। बाबा साहब के राजगृह में सविता कबीर दूसरे दिन उपस्थित नहीं थी। तो वामनराव गोडबोले ने लिखा है कि मैं, दादा साहब गायकवाड़, सोनलाल शास्त्री, शंकरानंद शास्त्री, हम बायकार उनके घर में गए और उनको आग्रह किया कि बाबा साहब अंबेडकर की अस्थियों को इकट्ठा करना है, आप आइए, आप उनकी सुविद्य पत्नी हैं। तो उन्होंने शर्त रखी कि आप मुझे बाबा साहब अंबेडकर के राजनीतिक दल का प्रेसिडेंट, पीपल्स एजुकेशन सोसाइटी का चेयरमैन, भारतीय बौद्ध महासभा, बुद्धिस्ट इंटर, भारतीय बौद्ध महासभा जो बाबा साहब का रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन था, उसका अध्यक्ष, बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया का अध्यक्ष और तमाम संस्थाओं का अधिकार मुझे दिया जाए, इसकी डिमांड उन्होंने किया। और उसके बाद ही बाबा साहब अंबेडकर के अस्थियों को हाथ लगाने के लिए मैं इजाजत दूंगी, ऐसा कहा। तब सोनलाल शास्त्री ने गुस्से में आकर कहा कि बाबा साहब अंबेडकर को तो आपने निगल लिया है, अब बाबा साहब अंबेडकर का संस्थाओं को निगलना चाहती है, और ये बात जब हम बताएंगे तो क्या होगा। तो सविता कबीर थोड़ी मायूस हो गई और वो अस्थियों को इकट्ठा करने का काम हुआ। वामनराव गोडबोले के ऊपर किसी को कोई शंका लेने की वजह नहीं है। वामनराव गोडबोले ने जो बात अपने जीवनी में लिखी है, हम उनके ऋणी हैं, धन्यवाद करते हैं हम उनका कि उन्होंने ये बात रिकॉर्ड में लाकर रखी कि सविता कबीर बाबा साहब अंबेडकर की सभी संस्थाओं पर कब्जा करना चाहती है। उसके बाद सोनलाल शास्त्री ने भैया साहेब अंबेडकर उर्फ यशवंतराव अंबेडकर को लेकर वो दिल्ली चले गए, तुरंत दिल्ली चले गए, और भैया साहेब अंबेडकर को लेकर वे राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद जी को मिले, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को मिलकर उन्होंने ये कहा कि हमें ये ठोस जानकारी मिली है कि बाबा साहब अंबेडकर की हत्या करने की वजह से आप सविता कबीर जी को राज्यसभा का मेंबरशिप दे रहे हो, उनको राज्यसभा पर चुनकर भेज रहे हो, ये उनको बाबा साहब अंबेडकर की हत्या का प्राइस दिया जा रहा है। और ये चर्चा महाराष्ट्र में शुरू हो गई है। सोनलाल शास्त्री दिल्ली में मिनिस्ट्री में
जॉब पर होने के कारण उनको यह अंदरूनी खबर मिली थी। उन्होंने ये बात एडिशन जोड़ दी कि महाराष्ट्र में इसकी चर्चा शुरू हो गई है कि बाबा साहब अंबेडकर की हत्या करने के कारण सविता कबीर जी को बख्शीश के तौर पर राज्यसभा का सीट दिया जा रहा है। तो राजेंद्र बाबू ने टेलीफोन उठाया और जो महाराष्ट्र का कांग्रेस का अध्यक्ष था सखा पाटिल, इसको टेलीफोन करके कहा कि जो नाम हम लोगों ने सजेस्ट किया है अब वो नाम वापस लिया जाए और उस पर कोई चर्चा न की जाए, ये केवल ऑर्डर है। इस आधार पर सविता कबीर के राज्यसभा पर जाने का मामला सोनलाल शास्त्री भैया साहेब अंबेडकर के विरोध के कारण रुक गया। और बातचीत में भैया साहेब अंबेडकर ने और सोनलाल शास्त्री ने दावे से कहा कि बाबा साहब अंबेडकर की हत्या इस औरत ने की है। तब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने कहा कि मान लो कल मेरी मिसेस ने, मेरी पत्नी ने मुझे खाने में जहर दे दिया और इसकी किसी को खबर ना हो तो क्या करोगी? अब तो बाबा साहब अंबेडकर का लाश भी जलाई दी गई है, उनका पोस्टमार्टम भी नहीं हुआ। अब सांप चला गया है, अब केवल सांप की निशानी बची हुई है, अब क्यों इस बात को उछाल रहे हो? यह बात सोनलाल शास्त्री ने डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर के साथ 25 वर्ष ये अपने जीवनी में इस बात को, इस प्रसंग को दर्ज किया है। साथियों, डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर का मृत्यु नैसर्गिक मृत्यु नहीं है, षड्यंत्र के तहत उनकी हत्या कर दी गई है। ये कार्यकर्ताओं ने डिमांड किया, पार्टी के और तमाम संगठन के लोगों ने रिजोल्यूशन पास किया। बाबा साहब अंबेडकर के पुत्र ने इसके लिए आग्रह किया, डिमांड किया, मगर जांच में यह बात आई कि बाबा साहब अंबेडकर के मृत्यु के बाद उनका पोस्टमार्टम किया जाए, यह आग्रह उनके अनुयायियों के द्वारा किया जाने लगा था। तब यशवंतराव चव्हाण के द्वारा भैया साहेब उर्फ यशवंतराव अंबेडकर को यह बात समझाई गई, अगर ऐसा हुआ तो एक खून, एक बड़ा माहौल बिगड़ सकता है और उसके लिए तुम जिम्मेदार हो रहोगे और इतिहास आपको माफ नहीं करेगा। अगर आप आपके पिता की पैतृक संपत्ति को लेना चाहते हो तो आपको यह डिमांड छोड़ देनी चाहिए। यानी किस तरीके से उस समय की हालात और परिस्थिति रही होगी, उस समय कैसे कैसे षड्यंत्र किए गए, ये इस बात का सबूत और प्रमाण है। मेरे पास प्रबुद्ध भारत का एक, प्रबुद्ध भारत के अंदर छपा हुआ एक लेटर, अभी 22 मार्च 1958 का लेटर है मेरे पास। और ये लेटर है प्रबुद्ध भारत कार्यकारी संपादक रूपोते, दाता रूपोते। जब बाबा साहब अंबेडकर की मृत्यु हुई, ये खबर विदर्भ में पहुंच गई तो एडवोकेट आवड़े बाबू, जो उस समय आरपीआई के, उस समय बाबा साहब अंबेडकर के विदर्भ के बड़े नेता थे और बाद में 1958 में 1957 में आरपीआई का गठन होने के बाद वह आरपीआई के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बने, पेशे से वकील थे,
उन्होंने नागपुर में विशाल शोक सभा में वक्तव्य दिया था कि बाबा साहब अंबेडकर की हत्या सविता कबीर के द्वारा की गई है, ब्राह्मणों ने साजिश के तहत बाबा साहब अंबेडकर की हत्या की है, और बहुत ही उग्र भाषा में वक्तव्य किया था, तो उनको उसी समय अरेस्ट कर लिया गया था, उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हुआ था, उनके खिलाफ केस भी चला था, अरेस्ट कर दिया गया और दूसरे दिन ही उनको रिहा कर दिया गया। मगर केस चला और केस बाद में बंद कर दिया गया और अवळे बाबू को निर्दोष छोड़ दिया गया। यह लेटर है 22 मार्च 1958 का, मराठी में है, उसका हिंदी रूपांतर इस तरह होता है, हेडिंग है अवळे बाबू दोष मुक्त। डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर के खून का बदला खून से लेना चाहिए, और हजारों वर्ष हिंदू धर्मियों ने किए गए अन्याय का बदला खून से ही लेना चाहिए, इस आशय का भाषण डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर के महापरिनिर्वाण के पश्चात नागपुर के एक शोक सभा में एसडी अवळे इन्होंने दिया था, और दो वर्गों के बीच में फसाद झगड़ा लगाने के लिए प्रोत्साहन देने का, इस वक्तव्य से झगड़ा लग सकता है ऐसा आरोप उनके ऊपर लगाकर मुंबई राज्य के सरकार ने अखिल भारतीय रिपब्लिकन पार्टी के उपाध्यक्ष अवळे बाबू इनके ऊपर केस दर्ज किया था। उन्हें निचली अदालत ने 1,000 रुपए दंड का और 4 महीने की सख्त मजूरी की सख्त कारावास की सजा सुनाई गई थी। अवळे बाबू इन्होंने नागपुर के सेशन कोर्ट में अपील किया था, और इस अपील में सेशन कोर्ट के जज श्री दोंघले इन्होंने निचले कोर्ट की शिक्षा को रद्द घोषित करके अवळे बाबूजी को निर्दोष ठहराया। हम लोग अवळे बाबूजी का अभिनंदन करते हैं। कार्यकारी संपादक प्रबुद्ध भारत, दादा साहेब रूपवते। यानी ये आधार है, मगर ये सोचने वाली बात है कि अवळे बाबू ने यह वक्तव्य दिया कि बाबा साहब अंबेडकर का खून का बदला खून से लेना चाहिए, उनके ऊपर मुकदमा हुआ, केस हुआ, और बाद में जस्टिस धोंगले जी ने उन्हें निर्दोष छोड़ क्यों दिया? अवळे बाबू पेशे से वकील थे और वे कोई भी बयान जज्बाती बयान नहीं दे सकते, उन्होंने ऐसा बयान क्यों दिया कि खून का बदला खून? तो अवळे बाबू वकील होने के नाते बाबा साहब अंबेडकर के मौत की जांच जो चल रही थी उस जांच की इंक्वायरी की जाए, या ये केस साल दो साल तीन साल आगे चलती है तो सरकार भले ही इस केस को बाबा साहब अंबेडकर की मृत्यु की घटना को दबाना चाहती है, फिर भी इस केस के मामले से वो सारे रिकॉर्ड ऑन रिकॉर्ड कोर्ट के सामने आ सकते हैं, जो यहां का मीडिया यहां की सरकार दबा रही है। हाइपोथेसिस करो, कल्पना करो कि अवळे बाबूजी का केस अगर साल दो साल और चलता तो कोर्ट में वो डिमांड करते कि डीआईजी सक्सेना आयोग को सार्वजनिक करो, चलो कोर्ट में पेश करो।
तो उन्होंने सोचा कि ये पार्लियामेंट के अंदर इस रिपोर्ट को हम दबा रहे हैं, तो ये केस की वजह से ये मामला फिर जीवित हो सकता है और कोर्ट में वो डीआईजी सक्सेना आयोग का जो रिपोर्ट है रेडी है, वो रिपोर्ट पेश करना पड़ेगा और अवले बाबूजी के केस के बहाने डीआईजी सक्सेना का रिपोर्ट अगर सार्वजनिक हो गया तो देश में ब्राह्मणों के लिए बहुत बड़ा खतरा हो सकता है। शायद इसी वजह से अवले बाबूजी का केस को रफा दफा कर दिया गया होगा। तो साथियों, डीआईजी सक्सेना आयोग जो पार्लियामेंट में बाबा साहब अंबेडकर के अनुयायियों के द्वारा, उनके आंदोलनकर्ताओं के द्वारा, उनके संगठन के द्वारा, बाबा साहब अंबेडकर के सुपुत्र के द्वारा प्रेशर करने के कारण वो आयोग का गठन किया, आयोग रेडी हुआ, सदन पर नहीं लाया गया, तब बीसी कामले ने करस्पॉन्डेंट किया, वो करस्पॉन्डेंट उपलब्ध है, पार्लियामेंट के अंदर क्वेश्चन उपस्थित किए, वो क्वेश्चंस पार्लियामेंट के रिकॉर्ड में, लोकसभा रिकॉर्ड में दर्ज है और उन्होंने डिमांड किया कि बाबा साहब अंबेडकर की जात का रिपोर्ट सार्वजनिक कर दिया जाए, संसद के पटल पर रखा जाए, मगर उसे नेहरू सरकार ने संसद के पटल पर रखने से मना कर दिया। फिर उन्होंने आग्रह किया कि इसको बाबा साहब अंबेडकर के अनुयायियों को दिखाया जाए, क्योंकि हम लोगों ने साक्ष्य दिया है। तो गृह मंत्री गोविंद वल्लभ पंत ने यह ऐलान किया कि इसे सार्वजनिक नहीं किया जा सकता, सेंसिटिव मैटर है, मगर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का आग्रह है कि किसी को दिखाया जाए तो हम दिखा सकते हैं। इन लोगों को लगा कि आरपीआई के लोगों को लगा कि ये शायद हमको ही दिखाने वाले हैं, मगर उन्होंने दो लोगों का नाम लिया। एक व्यक्ति का नाम है श्रीपाद अमृत डांगे, कम्युनिस्ट पार्टी का संस्थापक, जाति से ब्राह्मण, और दूसरा है कॉमरेड पय। क्या डांगे और पय बाबा साहब अंबेडकर के कार्यकर्ता थे? क्या उनके रिश्तेदार थे? क्या बाबा साहब अंबेडकर ने उनको अपने पार्टी का नेतृत्व दिया था? किस आधार पर उनको दिखाया जा रहा था? तो बाबा साहब अंबेडकर की हत्या में जो लोग इन्वॉल्व है वो है कांग्रेस के लोग, नेहरू, दूसरा वर्ग है आरएसएस के लोग, और कांग्रेस का खुलकर समर्थन देने वाले पंडित अटल बिहारी वाजपेयी, युवा नेता उस समय के, मेंबर पार्लियामेंट, और तीसरा वर्ग है कम्युनिस्ट ब्राह्मण, डांगे और पय। यही वो डांगे थे जिन्होंने डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर मुंबई से चुनकर ना आए, इसके लिए झूठा प्रोपगंडा किया था इसने और मेहता ने मिलकर कि डॉक्टर अंबेडकर को वोट क्यों देते हो, वो आपका जाया जाएगा, वो आपका वोट व्यर्थ जाएगा, अंबेडकर को वोट देने की बजाय उस वोट को सड़ाओ, ऐसा वक्तव्य दिया गया था। तो साथियों, डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर की हत्या सविता कबीर और डॉक्टर मालवनकर एज अ टूल, उनका इस हत्या करने के लिए इनका एक हत्या एक टूल के तौर पर इस्तेमाल किया, मगर उसके जो वास्तविक मास्टरमाइंड थे वो कांग्रेस के ब्राह्मण, आरएसएस जनसंघ के ब्राह्मण और कम्युनिस्ट ब्राह्मण, इन्होंने मिलकर डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर की हत्या की और जो रिपोर्ट रेडी हुआ उस रिपोर्ट को सार्वजनिक नहीं करने दिया। आज 67 साल गुजर गए हैं, इसके बावजूद ये लोग इस रिपोर्ट को सार्वजनिक नहीं कर रहे।
बीजेपी के लोग कांग्रेस को ताना मारते हैं, कांग्रेस के लोग बीजेपी को ताना मारते हैं, कांग्रेस के लोग शेड्यूल कास्ट का रेनुमा होने का दावा करते हैं, बीजेपी के लोग भी करते हैं। चाहे कांग्रेस आ जाए, चाहे कम्युनिस्ट आ जाए, चाहे बीजेपी आ जाए, है तो ब्राह्मणों के दल बाबा साहब अंबेडकर के रिपोर्ट को आज तक ये सार्वजनिक क्यों नहीं कर रहे? क्या बाबा साहब अंबेडकर की जय जयकार करने वाले लोगों को, भक्तों को इस बारे में कोई जानकारी है? बाबा साहब अंबेडकर का जय जयकार करना और बाबा साहब अंबेडकर के हत्यारों का समर्थन करना उचित है? साथियों, डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर के जो एक बहुत ही करीबी व्यक्ति थे सोनलाल शास्त्री, जब डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर को मरणोपरांत शताब्दी वर्ष होने के पश्चात क्षत्रिय बिरादरी के व्यक्ति भारत के प्रधानमंत्री विश्व प्रताप सिंह वीपी सिंह साहब ने भारत रत्न पुरस्कार घोषित किया था, कांग्रेस ने बाबा साहब अंबेडकर को भारत रत्न पुरस्कार नहीं दिया। बीजेपी के ब्राह्मणों ने बाबा साहब के भारत रत्न के लिए रिकमेंडेशन नहीं किया, यहां तक कि बाबा साहब अंबेडकर का तैलचित्र भी नहीं लगवाने दिया। वीपी सिंह थे जिन्होंने बाबा साहब अंबेडकर का पोर्ट्रेट पार्लियामेंट के अंदर लगाया, बाबा साहब अंबेडकर को शताब्दी वर्ष के उपलक्ष में भारत रत्न पुरस्कार दिया। तो सोनलाल शास्त्री ने 9 अप्रैल 1990 में एक खत लिखा है वामनराव गोडबोले जी को। इस खत में उन्होंने प्यारा नंबर 3 में यह स्पष्ट तौर पर लिखा है, ये बाबा साहब अंबेडकर का जय जयकार करने वाले लोगों के जानकारी के लिए, कि बाबा साहब अंबेडकर का जो सबसे ज्यादा करीबी जो आदमी था सोनलाल शास्त्री, उन्होंने 9 अप्रैल 1990 में एक खत लिखा धम्मबंधु वामनराव गोडबोले जी को, और उसके अंदर प्यारा नंबर 3 में लिखा, बाबा साहब को भारत सरकार द्वारा प्राप्त होने वाला भारत रत्न का अलंकरण न तो उनकी पत्नी को मिले, यानी सविता कबीर को नहीं मिलना चाहिए, न तो उनकी पत्नी को मिले और न ही उनके पोते को, यह दोनों पात्र नहीं है। यह अलंकार शांतिवन के ईसाई घर में लाया जाए, रखा जाए, बाबा साहब की अन्य वस्तुएं जहां रखी है वही उसका उचित स्थान है, जहां पर जनता इस अलंकरण को भी देख सकेंगे। यह प्रस्ताव पत्र मिलते ही राजा विश्व प्रताप सिंह प्रधानमंत्री और वेंकट रमन राष्ट्रपति को तत्काल भेज दिया जाए, ताकि कोई कुपात्र धूर्त इस अलंकरण को सरकार से हथिया न ले जाए। इस अलंकरण का सही और समुचित स्थान बुद्ध भूमि का अजायब घर ही है, यदि उचित समझे तो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री को भी इस आशय का पत्र जरूर लिख दे, किसी प्रकार की ढील या लापरवाही न होने पाए, यही मेरा महाराष्ट्र के लोगों को निवेदन है। सोनलाल शास्त्री जी
बाबा साहब अंबेडकर को भारत रत्न जो पुरस्कार मिलने वाला है, ये पुरस्कार उनके पत्नी के हाथ सविता कबीर के हाथ नहीं पड़ना चाहिए और बाबा साहब के पोते के हाथ भी नहीं पड़ना चाहिए, ऐसा क्यों कहा? और लिखा उन्होंने वो लायक नहीं है, वो पात्र नहीं है। देश भर के तमाम साथियों, बड़े दुख के साथ मुझे कहना पड़ रहा है कि महामानव डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर को शताब्दी वर्ष के पश्चात जो भारत रत्न पुरस्कार दिया गया वो आज गायब है। कहाँ है वो? वो जो सोनलाल शास्त्री जी ने जो शंका अशंका जताई थी कि बाबा साहब अंबेडकर को जो भारत रत्न पुरस्कार दिया जा रहा है ये इन इन लोगों के हाथों नहीं पड़ना चाहिए बल्कि वो बुद्ध भूमि में होना चाहिए, वो तो दीक्षा भूमि में होना चाहिए था। कहाँ है? बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर को दिया गया भारत रत्न पुरस्कार का जो शील्ड है, जो बहुमूल्य शील्ड है, वो आज गायब है। केवल जय जयकार करने वाले अंबेडकरवादी लोगों, अरे ये तो सोचो कि कहाँ गए हो? जिन लोगों ने बाबा साहब अंबेडकर की हत्या की उन लोगों ने वो शील्ड भी गायब कर दिया है। पिछले कुछ साल पहले रविंद्रनाथ टैगोर के भारत रत्न शील्ड के गायब होने की खबर आई थी तो मीडिया ने बड़ा चढ़ाकर उस पर चर्चा करवाया था। मैं बता रहा हूं, मैंने उसकी खोजबीन की है। ये शील्ड सविता कबीर के द्वारा पुणे के सिंबोसिस कॉलेज के मुजुमदार ब्राह्मण को दिया गया था। सविता कबीर ने बाबा साहब अंबेडकर का बहुमूल्य ये जो अलंकरण है, भारत रत्न का अवार्ड है, ये ब्राह्मण को देने का क्या मतलब है? इसका जवाब उस ब्राह्मण को पूछा जाएगा या नहीं पूछा जाएगा? अत्यंत दुख की बात है। साथियों, डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर के मृत्यु के पश्चात ब्राह्मण लोगों ने योजना बनाकर उनके आंदोलन को, उनकी आंदोलन की हत्या करने की योजना बनाई और जिसका परिणाम आज हम भुगत रहे हैं। मैं देश भर में घूमता हूं, हम लोग देश भर में संगठनात्मक गतिविधि में रात दिन लगे हुए हैं तो देश भर के लोग आज भी साधन और साध्य का अंतर नहीं समझ पाते, मगर इमोशनल कहते हैं कि ये बाबा साहब की संस्था है, आप क्यों नहीं चला रहे हो, आप ये संस्था क्यों नहीं निर्माण किए, ये बाबा साहब का पार्टी है इसको आप क्यों नहीं चला रहे हो, आप ये नया क्यों बनाया हुआ है। आज हमारे लोग जो है दुश्मनों के साजिश को नहीं समझने के कारण, साधन और संसाध साध्य और साधन का अंतर नहीं समझ पाने के कारण हमारे दुश्मनों ने बाबा साहब अंबेडकर के मृत्यु के पश्चात उनके अनुयायियों के द्वारा, बाबा साहब अंबेडकर के सुपुत्र के द्वारा ये जो डिमांड की जा रही थी कि बाबा साहब अंबेडकर का मृत्यु नैसर्गिक नहीं है तो ब्राह्मणों ने योजना बनाई अगर ये लोग संगठित रहते हैं तो ये लोग बाबा साहब अंबेडकर के हत्यारों को ढूंढने में कामयाब हो सकते हैं और उनकी हत्या एक साजिश के तहत की गई है ये बात अगर इन लोगों को पता चल गई तो भारत में रिवोल्ट हो सकता है, भारत में एक बहुत बड़ा आंदोलन हो सकता है। इस बात को भांपते हुए ब्राह्मण लोगों ने
बाबा साहब अंबेडकर का जो व्यक्तित्व है, बाबा साहब अंबेडकर का जो पर्सनालिटी है, वो उनका आंदोलन है, उस आंदोलन को तहस नहस बर्बाद करने के लिए बाबा साहब अंबेडकर के पश्चात आरएफआई के लोगों को आपस में लड़ाया, ताकि ये लोग संगठित न रहे। आरपीआई का नेतृत्व और दलित व्यंतर का नेतृत्व अगर इनका कंपेरेटिव स्टडी कर लिया जाए तो आरपीआई के लोगों में हाईली एजुकेटेड लोग थे, वैचारिक क्षमता थी, दलित व्यंतर जो है इसके संस्थापक पुणे के समाजवादी ब्राह्मण है, और ये काउंटर स्ट्रेटेजी के तहत दलित पैंथर का निर्माण हुआ, और दलित पैंथर के लोगों ने ही 1956 से लेकर 72-73 तक जो सविता कबीर महाराष्ट्र में पैर नहीं रखा, उस सविता कबीर को महाराष्ट्र में लाने का काम दलित पैंथर के लोगों ने किया, आरपीआई के लोगों ने नहीं किया। और फुले शाह अंबेडकर के आंदोलन को, अंबेडकराइट आंदोलन को आइसोलेट करने के लिए इन्हें पुणे के ब्राह्मणों ने दो बड़े विवाद को खड़ा किया, एक नामांतर का आंदोलन, और नामांतर के आंदोलन से क्या हुआ, जो देशव्यापी मिशन था, देशव्यापी संगठन था, देशव्यापी आंदोलन था, इस आंदोलन को उन्होंने एक जाति का संगठन बनाया, और उस जाति के संगठन को महाराष्ट्र में समझौता करने के लिए आरपीआई के लोगों को तैयार किया, और दादा साहब गायकवाड़ के द्वारा कांग्रेस के साथ समझौता किया गया, और बाबा साहब अंबेडकर के मिशन को, आंदोलन को बेच दिया। यही तो कहते थे कांशीराम जी, बाबा साहब के लेफ्टिनेंट ने बाबा साहब के मिशन को बेच दिया। कांशीराम जी कहा करते थे, मेरे दो गुरु है, एक गुरु बाबा साहब अंबेडकर है, उनके साहित्य पढ़ने से ऊर्जा मिलती है, उनके विचारों से हमें आंदोलन की समझ मिलती है, इसलिए वो मेरे प्रथम गुरु है, और मेरे दूसरे गुरु आरबीआई के लोग है जो आपस में लड़ते हैं, झगड़ते हैं, मगर वो मेरे गुरु है, वो मुझे सिखाते हैं मिशन कैसे नहीं चलाना चाहिए, उनको देखने से मुझे सीखने को मिलता है, बाबा साहब से पता चलता है मिशन कैसी चलानी चाहिए, इनसे पता चलता है मिशन कैसी नहीं चलानी चाहिए। साथियों, बाबा साहब अंबेडकर के पश्चात स्पर्धा शुरू हुई ब्राह्मणवादी लोगों के खेमे में जाने की। आरबीआई का मुंबई प्रदेश का बड़ा नेता आरडी भंडारे इंदिरा गांधी को मिले, इंदिरा गांधी को मिलकर आए, आरपीआई का पहला नेता कांग्रेस में जाने वाला वो आदमी कांग्रेस के साथ निष्ठावान रहा, कांग्रेस ने उसको बड़ा बनाया, बाद में राज्यपाल तक बनाया। जैसे मिलकर आए भंडारे जी ने किताब लिखी, आरपीआई को कांग्रेस में विलीन क्यों नहीं करनी चाहिए, किताब लिखी। कितने बड़े मान होंगे, तोड़फोड़ करने के लिए बाबा साहब अंबेडकर के समय में ही पीएन राजबोस, जो शेड्यूल कास्ट फेडरेशन के सेक्रेटरी थे, सोलापुर से लोकसभा से चुनकर गए थे, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे, मगर वो पार्लियामेंट में उपस्थित ही नहीं होते थे। बाबा साहब उनको लिखित सवाल देते थे, कहते थे आप तुम्हारा दिमाग मत लगाओ, मेरा दिमाग लगाओ, ये सवाल पूछो पार्लियामेंट के अंदर नेहरू को। वो उस दिन गायब भी होते थे, फॉरेन में भाग जाते थे। बाबा साहब कहते थे मेरे पास पैसा नहीं है, मगर ये फॉरेन में कैसे भाग गया, तो बाबा साहब के ही दूसरे दोस्तों से पता चलता था कि नेहरू ने बजाज के द्वारा, टाटा के द्वारा उसको पैसा दिलाया और उसको फॉरेन में भगाया, तोड़फोड़ किया।
बाबा साहब अंबेडकर के पश्चात बाबा साहब अंबेडकर की मूवमेंट का जो तोड़फोड़ किया उससे कुछ सबक लेंगे कि नहीं लेंगे आज लोग हमारे लोग। पीएड राजबोस को बाबा साहब ने गद्दार घोषित किया, 1955 को पार्टी से निकाल दिया। यंशुराज जो साउथ इंडिया के सबसे बड़े कद्दावर नेता थे बाबा साहब अंबेडकर के बाद, उनका नाम और रुतबा होता था ब्रिटिश काल में, बाबा साहब अंबेडकर केंद्रीय मंत्री बने थे और ब्रिटिश रूल के हिसाब से बाबा साहब संगठन का प्रेसिडेंट नहीं बन सकते थे, तो यंग शिवराज को फेडरेशन का अध्यक्ष बनाया था। प्रथम लोकसभा का चुनाव होने के बाद बाबा साहब अंबेडकर ने अपने पराजय की समीक्षा किया और समीक्षा में यह तय किया कि अब शेड्यूल कास्ट के आधार पर ही हम चुनाव नहीं लड़ सकते, बल्कि आदिवासी, ओबीसी, घुमंतु जनजाति, माइनॉरिटी यानी सभी ब्राह्मणेतर लोगों को इकट्ठा करके चुनाव लड़ा जा सकता है, जीता जा सकता है। इसलिए शेड्यूल कास्ट फेडरेशन को विसर्जित करके अब नई पार्टी का निर्माण करना होगा जो सभी ब्राह्मणेतर लोगों का प्रतिनिधित्व करेगा। ऐसा पार्टी में जब रिजोल्यूशन पास किया तो यही अंशिवराज थे जिन्होंने बाबा साहब अंबेडकर का विरोध किया और 14 अप्रैल तारीख भी चुनी, 14 अप्रैल 1955 बाबा साहब अंबेडकर के ऊपर घटिया आरोप लगाए कि अंबेडकर डिक्टेटर है, तानाशाह है और मैं फेडरेशन का प्रमुख हूं और अंबेडकर का फेडरेशन से कोई वास्ता नहीं है, कोई नाता नहीं है। ये तो कहा शिवराज ने कि हमें क्या लेना है ओबीसी के समस्याओं को लेकर, हमें क्या लेना है आदिवासी और अन्य कम्युनिटी के बारे में, हमें क्या लेने देना, हमें तो केवल शेड्यूल कास्ट के बारे में सोचना चाहिए। ऐसी घटिया सोच रखने वाले व्यक्ति को बाबा साहब अंबेडकर ने 1955 को संगठन से निकाल दिया और उस समय बाबा साहब अंबेडकर ने अपने मुखपत्र में, अखबार में, जनता में यंशुराज और पीएन राजबोस कैसे गद्दार लोग है यह सब प्रमाण छापा ताकि आने वाली पीढ़ी को भी यह पता चले इन लोगों ने समाज के साथ क्या धोखेबाजी किया। अठारह मार्च 1956 को बाबा साहब अंबेडकर आगरा गए और आगरा में जब वो पहुंचे तो फेडरेशन का उत्तर प्रदेश का अध्यक्ष पीपल नाम का अध्यक्ष था, उसने इस्तीफा दिया और बाबा साहब अंबेडकर के ऊपर उसी दिन अखबार में जो यंशिवराज के द्वारा आरोप लगाए थे बिल्कुल वही आरोप, अंबेडकर डिक्टेटर है, तानाशाह है और मैं फेडरेशन को छोड़कर कांग्रेस में शामिल हो रहा हूं, ऐसा अखबार में छापा बाबा साहब अंबेडकर ने पढ़ा और बाबा साहब अंबेडकर का मिशन और मूवमेंट, बाबा साहब अंबेडकर का संगठन मनुवादी लोगों ने 1955-56 में तोड़ने का प्लान किया और कई हद तक वो सफल हो रहे थे। तो बाबा साहब अंबेडकर ने 18 मार्च 1956 में रोकर कहा 4 लाख लोगों की सभा में कि मुझे पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया, ये परिस्थिति है, ये उदाहरण है कि बाबा साहब अंबेडकर के ही लेफ्टिनेंट लोग बाबा साहब को छोड़ रहे थे और दुश्मनों के लालच में फंस रहे थे। एक खत मैंने पढ़ा है बैरिस्टर राजा बहु खोबरागड़े को लिखा हुआ, जब पीएन राजबोस को संगठन से निकाल दिया गया तो बाबा साहब अंबेडकर ने एक युवा नेता, भविष्य का बाबा साहब अंबेडकर का उत्तराधिकारी राजा बहु खोबरागड़े को चुना था और उस खत में लिखा हुआ है कि मैंने तुम्हें बुलाया था आगरा की सभा के लिए मगर तुम वहां आए ही नहीं, मैंने पूछा क्यों नहीं आए तो तुमने अलग ही वजह बताई जिस पर यकीन नहीं किया जा सकता था।
टिकट की वजह बताई, पैसे की वजह बताई। उस समय राजा वो कोबरागढ़े और उनका परिवार बहुत अमीर था, फॉरेन से पढ़ लिख कर आए थे। बाबा साहब को उनके ऊपर यकीन और विश्वास था। बाबा साहब उस खत में कहते हैं कि मैं तुम्हें आगरा में इंट्रोड्यूस करने वाला था। बड़ी आश्चर्य की बात है कि तुम लोग नादानगी कर रहे हो। दादा साहब गायकवाड़ के साथ बाबा साहब अंबेडकर का कभी जमा ही नहीं, या यूं कहा जाए कि बाबा साहब अंबेडकर के जीवन काल में ही दो गुट थे और एक गुट खुद दादा साहब गायकवाड़ का था। 1954 को बाबा साहब ने दादा साहब गायकवाड़ को लिखा हुआ खत राइटिंग स्पीचेस वॉल्यूम नंबर 21 में पब्लिश हो चुका है, और बाबा साहब ने दादा साहब गायकवाड़ को बहुत ही तीखे शब्दों में लिखे हुए 150-200 खत है, मगर उन खत को राइटिंग स्पीचेस में जोड़ा नहीं गया, क्योंकि उस समय हरिनर के और वामन राव निंबालकर इनके अंदर स्पर्धा लगी थी कि उसका क्रेडिट कौन लेगा। तो वामन राव निंबालकर ने मुझे खुद कहा कि ओ मैंने वो खत निकाल कर रखे, कितने महान अंबेडकरवादी है लोग। उस खत में 1954 के खत में बाबा साहब ने कहा कि सोलापुर के लोग मुझे बुद्ध जयंती के अवसर पर बुला रहे थे, मगर दिल्ली में व्यस्तता के कारण मैंने वहां नहीं पहुंच सका। सोलापुर के लोगों ने आपको बुलाया, आप वहां गए, मगर वहां आप जाते ही उस सार्वजनिक सभा में आपने मेरे ऊपर बुद्ध के ऊपर उंगलियां उठाई। आपने कहा कि बाबा साहब अंबेडकर चुनाव की तरफ ध्यान देने की बजाय बुद्ध धम्म और धर्मांतर की तरफ ध्यान दे रहे, इस बात से मैं सहमत नहीं हूं। आपने भरी सभा में यह कहा बुद्ध बुद्धू है। गायकवाड़ जी, मैंने आपके हर सवाल का जवाब दिया है, कोई मेरे साथ आए या ना आए, मगर मैं बुद्ध की राह पर चलूंगा, मैं धर्मांतर करके ही रहूंगा। मगर किस मुंह से मैं आपको मेरा दोस्त कहूं, आपने तो मेरे पीठ में छुरा खुबसाए, छुरा मारा है। बाबा साहब अंबेडकर दुश्मनों से लड़ रहे थे और बाबा साहब अंबेडकर की टांग खींचने का काम अपने ही समाज के लोग कर रहे थे। और बाबा साहब अंबेडकर के मृत्यु के पश्चात आरपीआई के लोग कम लड़ रहे थे, आरपीआई के लोगों को ज्यादा लड़ाया गया, ज्यादा भिड़ाया गया, लालच देकर तोड़ा गया। तो बाबा साहब अंबेडकर के अचानक मृत्यु होने के कारण बाबा साहब अंबेडकर के मिशन और आंदोलन पर उसका डायरेक्ट परिणाम हो गया है। बाबा साहब अंबेडकर की मृत्यु की नंबर एक की वजह है डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर ने देशव्यापी संगठन बनाया। डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर ने देशव्यापी संगठन बनाया, स्वाभिमानी संगठन बनाया, ब्रॉड इन द बेस संगठन बनाया। देश की पार्लियामेंट्री सिस्टम बाबा साहब अंबेडकर की देन है। बाबा साहब अंबेडकर 10 साल केवल जिंदा रहते तो देश का चरित्र बदल, देश का रूप बदल देते, देश का पॉलिटिकल स्ट्रक्चर चेंज होता। और बाबा साहब अंबेडकर सेकंड चुनाव के बाद देश के प्रधानमंत्री पद के दावेदार होते। कांग्रेस का विकल्प कौन पक्ष था? शेड्यूल कास्ट फेडरेशन। जनसंघ का तो कोई औकात ही नहीं था, कम्युनिस्ट ब्राह्मणों की कोई स्थिति ही नहीं थी। बाबा साहब उनको ड्रम बॉयज कहते थे। तो बाबा साहब अंबेडकर के पश्चात आरपीआई के लोगों के अंदर झगड़े लगा दिए गए, वो लड़ते कम थे
मगर लड़ाई ज्यादा ज्यादा जाते थे तो बाबा साहब अंबेडकर का देशव्यापी संगठन का प्रभाव खत्म करने के लिए दुश्मनों ने तोड़फोड़ का सहारा लिया और कई हद तक वो सफल हुए। बाबा साहब अंबेडकर ने घोषित किया था मैं 1.5-2 साल में भारत को बौद्धमय बना के रहूंगा, तो बाबा साहब अंबेडकर की हत्या होने की ये भी एक वजह है कि बाबा साहब अंबेडकर भारत को बौद्धमय बनाने वाले थे। न्याय, समता, समानता और भाईचारा पर आधारित समाज और राष्ट्र का निर्माण उन्होंने 10 सेंटर बनाए थे, जैसे 14 अक्टूबर को अशोक विजयादशमी के दिन सार्वजनिक तौर पर धर्मांतरण का कार्यक्रम हुआ, उसी तरह 16 दिसंबर को मुंबई में था, उसी तरह अगली योजनाएं थी, उसी तरह उत्तर भारत, बिहार, मलबार, साउथ इंडिया, मद्रास, केरला, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना। बाबा साहब अंबेडकर को बौद्ध धर्म को पुनर्जीवित करने के लिए दक्षिण भारत के एक राजा ने 5 एकड़ की जगह दी थी कर्नाटक बैंगलोर सिटी के अंदर, वहां वो भिक्कुओं का ट्रेनिंग सेंटर बनाए, राजा ने दी थी। आज वो 5 एकड़ की जगह कहां पर है, वो 5 एकड़ की जगह पर आज बीजेपी के लोगों का कब्जा है, पीपल्स एजुकेशन सोसाइटी के नाम पर उसके कागजात है, वहां एक छोटी सी स्कूल है और बाकी जो बिल्डिंग स्ट्रक्चर है 3-4 मंजिला ऊपर, वो हैदराबाद का बीजेपी के नेता के द्वारा उसके ऊपर कब्जा कर दिया गया। तो धम्म के आंदोलन को रोकने के लिए बाबा साहब अंबेडकर की हत्या हुई। बाबा साहब अंबेडकर की हत्या होने के कारण धम्म के आंदोलन की दिशा भटक गई, आज भी वो दिशा भटकी हुई है। आज जो बुद्ध धर्म के नाम पर जो लोग काम कर रहे हैं वो क्या है उनके पास? बाबा साहब अंबेडकर के जय जयकार करने का आंदोलन, बाबा साहब की मिशन चलाने का आंदोलन नहीं हो सकता। उनकी ब्लूप्रिंट के आधार पर कोई कार्यक्रम हो, चाहे वो राजनीतिक हो, चाहे वो राज सामाजिक हो, चाहे वो धार्मिक हो, कुछ लोगों ने तो इसको धंधा बना दिया, बिजनेस बना दिया, कुछ लोगों को तो मीडिया के द्वारा प्रमोट करके समाज पर थोप दिया गया, थोपा जा रहा है, ये लीडर है आपका, समाज उसको स्वीकार नहीं रहा है, इसके पहले उसको स्वीकारा नहीं है, मगर मीडिया के द्वारा उसको फोकस करके आज थोप दिया जा रहा है। बाबा साहब अंबेडकर का शैक्षणिक आंदोलन को आज क्या हालत है? बाबा साहब अंबेडकर की पीपल्स एजुकेशन सोसाइटी की आज अत्यंत दुर्दशा है। बाबा साहब अंबेडकर ने बहुत मेहनत से कर्जा लेकर जगह ली, औरंगाबाद में ली, मुंबई में ली, आज पीपल्स एजुकेशन सोसाइटी के ऊपर दुश्मनों के द्वारा तहस नहस करने में कामयाब हो गए। एक बड़े विद्वान थे, दलित साहित्यिक थे, गंगाधर पांताव ने, वो मिलिंद कॉलेज के सामने ही अपना निवास बनाकर रहते थे, अब वो गुजर गए। मुंबई औरंगाबाद खंडपीठ का जजमेंट है कि उनका आवास और आसपास के सारे आवास, ऐसे 19 एकड़ की जमीन जो खुद बाबा साहब अंबेडकर के पीपल्स एजुकेशन सोसाइटी के जगह पर बनाई गई है, बाबा साहब अंबेडकर की जमीन पर वो आवास बनाकर कब्जा कर लिया गया है। और पीपल्स एजुकेशन सोसाइटी के फेवर में जजमेंट आने के बावजूद 19 एकड़ जमीन को पीपल्स एजुकेशन सोसाइटी के लोग अपने नियंत्रण में नहीं कर रहे हैं। नांदेड़ के एसपी गायकवाड़ इसके लिए दोषी है,
सत्यानाश करने के लिए जिम्मेदार है। बाबा साहब अंबेडकर के शताब्दी वर्ष के पश्चात एक जानकारी मैं आपको बताना चाहता हूं। 26 अगस्त 1990 को वामनराव गोडबोले को दत्ता ठेंगड़ी ने खत लिखा था। 26 अगस्त 1990 को, और उस खत में वामनराव गोडबोले ने 8 पन्ने का खत लिखा हुआ है। उस खत में आरएसएस का थिंक टैंक बदमाश ब्राह्मण दत्तोपंत ठेंगड़ी ने लिखा है, धार्मिक संदर्भ में परम पूज्य बाबा साहब के साथ आप अत्यंत निकटस्थ व्यक्ति थे, इसलिए मैं आपको पूछना चाहता हूं। वामनराव गोडबोले को लिखा कि बाबा साहब अंबेडकर के निकट ऐसे देश और विदेश के बौद्ध भिक्षुओं के नाम और रिकॉर्ड की जानकारी मुझे चाहिए। इस बारे में मैं आपको प्रत्यक्ष मुलाकात में पूछने ही वाला था, अगले मुलाकात में मैं पूछूंगा ही, मगर यही जानकारी मुझे लिखित में चाहिए, इसलिए मैं आपको यह जानकारी मांग रहा हूं। दत्तोपंत ठेंगड़ी बाबा साहब अंबेडकर के शताब्दी वर्ष के पश्चात पूछ रहा था कि बाबा साहब अंबेडकर का किन किन देशों के साथ संबंध है, किन किन देश विदेश के बौद्ध भिक्षुओं और विद्वानों के साथ संपर्क रहा है, उनके नाम पते एड्रेस हमें चाहिए, क्या संदर्भ है इसका। जब बाबा साहब अंबेडकर ने धर्मांतर किया था, उसी दिन विनायक दामोदर सावरकर ने अत्यंत गलत शब्दों का प्रयोग करते हुए एक आर्टिकल लिखा था और बड़े टाइटल में लिखा था कि अंबेडकर का धर्मांतर ये विदेशी बौद्ध राष्ट्रों को बुलाकर भारत पर आक्रमण करने की साजिश है, ऐसा उन्होंने लिखा। और दत्तोपंत ठेंगड़ी कह रहा है कि बाबा साहब अंबेडकर का किन किन देशों के साथ संपर्क था, किन किन भिक्षुओं के साथ था, कौन कौन नेताओं के साथ था, क्योंकि बाबा साहब अंबेडकर का धर्मांतर का आंदोलन ये भारत को विदेशी ब्राह्मणों से आजाद कराने का आंदोलन था, विरासत को मुक्त करने का आंदोलन था, और भारत के SC ST OBC को अपनी विरासत और अपनी सभ्यता और अपनी संस्कृति को बचाने के लिए एक विशाल आंदोलन खड़ा किया था। तो देश के अंदर कौन कौन OBC नेता बाबा साहब अंबेडकर के साथ है, कौन कौन राज्य में धर्मांतर करने की योजना कर रहे हैं, कौन कौन से बौद्ध राष्ट्रों के साथ उनका संबंध है, कौन कौन से बौद्ध भिक्षु है, कौन कौन से नेता है, कितने ब्राह्मणों की फट गई थी शताब्दी के बाद भी। बहुत गंभीर बात है। तो बाबा साहब अंबेडकर की हत्या होने की वजह से आज भारत में अल्पसंख्यक विदेशी ब्राह्मणों का कब्जा हो चुका है, विधायिका पर, कार्यपालिका पर, न्यायपालिका पर, मीडिया पर, सभी साधन और संसाधनों पर ये 3.5% ब्राह्मणों का कब्जा हो गया है। और पार्लियामेंट्री सिस्टम को इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के द्वारा डिस्ट्रॉय कर दिया गया है, केवल चुनाव करना ईवीएम मशीन के जरिए से, इसको डेमोक्रेसी नहीं कहा जाता, ये तो डकैती है, ये चोरी है। और डकैती और चोरी करके SC ST OBC और तमाम धार्मिक अल्पसंख्यक लोगों को गुलाम बना दिया जा रहा है, और इसके पीछे
अगर जिन ब्राह्मणों ने यह काम किया वो ब्राह्मण लोग एक ही मकसद के लिए काम कर रहे हैं, चेहरे अलग अलग है। जैसे बुद्धिज्म को डिस्ट्रॉय करने के लिए, बुद्धिज्म का आक्रमण करने के लिए एक शैववादी ब्राह्मण था, एक वैष्णववादी ब्राह्मण गुट था, वेदांतवादी था। इसी तरह कांग्रेस, बीजेपी, कम्युनिस्ट, ये तो वही है। और ये आतंकवादी ब्राह्मण लोग हैं जो आज देश पर राज कर रहे हैं। तो साथियों, इस मौके पर हमें चिंतन और मनन करने की जरूरत है। बाबा साहब अंबेडकर के आंदोलन को, बाबा साहब अंबेडकर के मिशन आंदोलन को जो लोग चलाना चाहते हैं, उन्हें त्याग और कुर्बानी देना होगा, निस्वार्थ भाव से कार्य करना होगा। मीडिया के द्वारा प्रायोजित और थोपे गए नेता अंबेडकरवादी नेता नहीं है। मीडिया आपके खिलाफ है, आपके समाज के खिलाफ है, आपके अधिकारियों के खिलाफ है। और मीडिया उन लोगों को प्रायोजित कर रही है जो ब्राह्मणवादी व्यवस्था को सेव करने का काम करेगी और आम लोगों के आंखों में धूल फेंकने का काम करेंगी। जिन लोगों ने बाबा साहब अंबेडकर का जीते जी अपमान किया, वो लोग आज आपका सम्मान करेंगे? कदापि नहीं। तो महापुरुषों का जो अधूरा रहा कार्य है, इसको अगर पूरा करना है तो जय भीम बोलो, किधर भी चलो, ये नहीं चल सकता। तो आपका ध्येय निश्चित होना चाहिए, आपकी विचारधारा निश्चित होनी चाहिए, आपका मकसद उद्देश्य निश्चित होना चाहिए, आपका दुश्मन निश्चित होना चाहिए, तभी आप देश में क्रांति ला सकते हैं। हम लोग अत्यंत आशावादी है। हम लोग फुले शव अंबेडकर के विचारधारा के प्रचारक है, हमें गर्व है। हम उनके अनुयायी है और फुले शव अंबेडकर के विचारधारा के हम केवल समर्थक नहीं है, केवल अनुयायी नहीं है, हम उनके प्रचारक है। इस देश में क्रांति होना तय है। हिड़गेवास, सावरकर, गोलवलकर की विचारधारा, गांधी नेहरू की विचारधारा, ये मनुवाद की विचारधारा है। और इस विचारधारा को अगर कोई विचारधारा काट सकती है, वह फुले शव अंबेडकर की ही विचारधारा काट सकती है। और भारत में जन आंदोलन होने के आसर आ गए, समय पक गया है और आने वाले समय में इस देश में जल्द ही जन आंदोलन होगा, जन क्रांति होगी। और इस देश पर विदेशी अल्पसंख्यक ब्राह्मणों का जो कब्जा है, ये विदेशी ब्राह्मणों का कब्जा हटाने की जिम्मेदारी भारत के तमाम एससी एसटी ओबीसी नॉमिडिक ट्राइब्स और धार्मिक अल्पसंख्यक अर्थात तमाम मूलनिवासी बहुजन लोगों की है। और भारत को इन विदेशी अक्रांता जंगली लोगों से आजाद करने के लिए आप लोग साथ सहयोग देंगे, यह आशा और विश्वास है। कल महापुरुष डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर का महापरिनिर्वाण दिन है, उसके एक दिन पहले मैं ये बातें प्रचार में ला रहा हूं। किताब लिखकर मुझे 13 साल हो गए हैं, मगर मुझे औचित्य लगा कि आज इन बातों का मैं प्रचार करूं, इन मुद्दों पर मैं आज चर्चा करूं। तो कल हमारे लोग जो सुन रहे इस बात का प्रचार करे, जो लोग सुन चुके वो कल इस बात का प्रचार करे, साल भर प्रचार करे कि हमारे बाप की हत्या जिन ब्राह्मणों ने की है, उसका बदला हम लोग लेकर रहेंगे। जय भीम, नमः बुद्धाय, जय मूल निवासी।